आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो तीन तलाक से जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले हफ्ते तीन तलाक का बिल जो है वो लोकसभा में पास कर दिया गया था। महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। हालांकि उनकी पत्नियां भी खुद बाहर हैं, लेकिन ठीक है, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उनकी बात को भी मान लेते हैं कि वो महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे। इसको लेकर के पिछले दिनों जो है पिछले हफ्ते लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया था। 256 वोटों में से 245 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े थे, जबकि 11 वोट ही इसके विरोध में पड़ पाए थे। वहां पर एक बड़ी मेजोरिटी से ये पास हो गया था। हालांकि वहां पर जो है जमकर के हंगामा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर के बोला था, और रंजीत रंजन ने, जो सुपौल से बिहार के यहाँ से सांसद हैं, पप्पू यादव की बीवी हैं, उन्होंने बहुत जमकर के बोला था। उन्होंने कहा था कि मैंने खुद कुरान को पढ़ा है और कुरान में तीन तलाक एक साथ देने का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है, और कुरान में सबसे एडवांस वर्जन है तलाक का। दरअसल ये लोगों को अलग करने का प्रोसीजर नहीं है, बल्कि रिकंसीलमेंट का तब प्रोसीजर है कि किस तरह से जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उनको सुधारा जा सकता है, जो कुरान में तरीका दिया हुआ है। लेकिन बीजेपी फिर भी अपना बिल ले आई है। बिल में जो जो मेन चीज़ पर जो विवाद है उस वो इस चीज़ पर है कि जो व्यक्ति तीन तलाक एक साथ देगा उसको 3 साल की सज़ा हो जाएगी। सवाल इस चीज़ पे उठ रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो विवाद हो रहा है वो इस चीज़ पर हो रहा है कि यदि पति ही 3 साल के लिए जेल चला जाएगा तो फिर महिला को उसके पालन पोषण के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और वो पैसे कौन देगा, क्योंकि सरकार ने इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं की है कि यदि पति जेल चला जाएगा तो महिला को उसके नाम पर आर्थिक मदद कहाँ से मिलेगी। क्योंकि पति तो जेल चला जाएगा, लेकिन सरकार भी कोई आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं है। हालांकि बिल पास कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि ये मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में है ये बिल। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पक्ष में है। हालांकि तीन तलाक को कानून के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यदि कोई व्यक्ति तीन तलाक एक साथ देता है तो वो मान्य ही नहीं है। अगर कोई चीज़ मान्य ही नहीं है तो फिर वो अपराध कहाँ से हो गई, और यदि अपराध के बाद व्यक्ति 3 साल के लिए जेल चला जाएगा तो मुआवजा कौन भरेगा। इस पर बेसिकली सवाल चल रहा है। आज ये बिल जो है सुप्रीम का जो राज्यसभा है उसमें पेश होना था। लोकसभा से पास हो चुका है, अब ये राज्यसभा से और पास होना था, लेकिन राज्यसभा में अपोजिशन ने जम करके हंगामा काटा। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी बिल है, मतलब कि एक हिस्टोरिकल बिल है, और इसको ऐसे ही पास कर देना सही नहीं है। इसको पहले या तो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए या सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी का कंसेप्ट ये होता है कि जब किसी भी बिल को लाया जाता है तो एक एक्सपर्ट्स की एक कमेटी होती है, पार्लियामेंटेरियन कमेटी होती है, जो कमेटी उस पर सोच विचार करती है, विचार विमर्श करती है, उसकी लीगलिटीज़ को देखती है और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को देखती है कि क्या वाकई में ये बिल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ है, इस चीज को देखा जाता है। लेकिन अभी तक ये बिल जब लोकसभा में लाया गया ना तो तब स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया, और जब राज्यसभा में लाया गया तो ना तब ही स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। तो अपोजिशन के जो लीडर हैं गुलाम नबी आजाद ने यह मांग की कि इसको पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास या सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ताकि इसमें तरमीम की जा सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। इसको लेकर के जमकर के राज्यसभा में हंगामा हुआ और बुधवार तक के लिए राज्यसभा के का जो सेशन चल रहा है उसको टाल दिया गया, मतलब कि एडजर्न कर दिया गया, स्थगित भी कह सकते हैं आप इसको, कि उसको स्थगित कर दिया गया है। अभी ये बिल जो है पेश नहीं हो पाया इसी वजह से, और अभी पेश होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या जो है बिल पास हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो है ये मामला फिर से लटक गया है, तीन तलाक बिल पास नहीं हुआ है अभी तक। जो लोग ये कह रहे हैं कि तीन तलाक बिल पास हो गया, उनको बताइएगा कि अभी सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा में अभी ये मामला पहुंचा है और वहां पर इसको बाकायदा अभी बिल को पेश भी नहीं किया गया, क्योंकि अपोजिशन ने इस पर जमकर के हंगामा काटा और उसमें कहा गया कि ये पहले या तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए या सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि जो इसमें कमियाँ हैं ताकि पहले उनको दूर किया जा सके और ये प्रावधान किए जा सकें कि अगर किसी व्यक्ति को 3 साल की सज़ा हो जाएगी तो फिर जो है उसका जो हर्जाना होगा वो कहाँ से मिलेगा, आर्थिक मदद महिला को कहाँ से मिलेगी। और भी कई सारे लूप होल्स हैं, कुरान के अकॉर्डिंग नहीं है, जबकि कुरान में कई सारे बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है कि क्या तरीके होंगे तलाक के, क्या क्या शराइत होंगे, किस तरह से तलाक दी जाएगी, किन हालात में दी जा सकती है और किन हालात में नहीं दी जा सकती है, जबकि इस तरह की किसी भी चीज़ को बिल में शामिल नहीं किया गया है। जबकि तलाक जो है वो एक रिलीजियस मसला है, तो इसको अगर आपको बिल बनाता था तो कम से कम एक कमेटी को उसको रखना चाहिए था, उस पर कुरानिक चीज़ों को रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसका विरोध जम करके हो रहा है। हालांकि ये बात भी सही कि कुरान में तीन तलाक, इंस्टेंट तीन तलाक कहीं पर भी नहीं है, तो जब कुरान में ही नहीं है तो फिर उस पर किस बात का विवाद होना है।
लेकिन महिलाओं को, हालांकि रंजीता रंजन ने ये कहा था अपनी स्पीच में, जो उनकी स्पीच थी लोकसभा की, उसमें उन्होंने कहा था मुख्तार अब्बास नकवी पे निशाना साधते हुए कि आपने अपनी कम्युनिटी को अवेयर ही नहीं कराया कि कुरान में क्या तरीका है तलाक का। यदि कम्युनिटी अवेयर होती कुरान में तलाक का क्या तरीका है, तो फिर इस तरह का मामला ही आज इस बिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बस जो मेन मुद्दा है वो आज के इस प्रोग्राम का, वो यही है कि अभी 3 तलाक बिल सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा में आज पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हो पाया, और उसी की वजह से अभी ये स्थगित कर दी गई है। उसके बाद वो क्या स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा नहीं जाएगा, उस पर अभी काफ़ी लंबा समय लग सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमारी आपसे दरखास्त है इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।